हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कक्षा छठी के अभ्यास तीन के बारे में, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि ठीक है 1729 ठीक है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, पहली बात। ठीक है, उसके बाद है कि उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करो, मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। अब अगर दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में यदि कोई संबंध है तो उसे बताओ, क्या संबंध। ठीक है, अब देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे, पहली बात है इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अगर मैं इसको बांटूं तो क्या होगा, अगर मैं 7 को ठीक है 247 से गुणा करता हूं, इसको 247 से, क्योंकि उससे नीचे ये जाएगा ही नहीं। 7 से करके देखो भाई, 7 को करके देखो ना भाई, 1 7 2 9 7 2 9 14 कितना बचा, 4 3 बचा, 7 4 28 ठीक है, 7 4 28 29 30 31 32 4 और 7 7 49 समझ लो, इसलिए लिखा है। तो जब भी हम इसको इससे गुणा करेंगे तो 1729 आ जाएगा, इसलिए दो भाग में हमने बांट लिया है। अब देखो, हमको ये पता है कि ये तो एक अभाज्य संख्या होगी, अब इसका क्या करेंगे, इसको ही बांट लेंगे। अगर मैं 13 की गुणा 19 से करता हूं तो भी 247 आएगा, वो भी देख लेते हैं भाई, 247 है ठीक है इसमें, हाँ 247 को मैं वैसे करके दिखा देता हूं, 13 13 1 13 ठीक है, कितना बचा, 1 बचा 1 बचा और 13 9 117 ठीक है, तो इसलिए और ये तीनों अभाज्य संख्याएं। पहली बात, जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, गुणनखंड, अब देखो, और वो भी आरोही क्रम में लिखना है, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले क्या आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 19 आएगा, आ गया। अब देखो, अब इनमें क्या क्या है, कुछ संबंध है, देखो 7 7 और 6 13 और 13 और 6 19 ठीक है, तो तीनों अभाज्य संख्याओं में 6 का अंतर है ठीक है, तीनों अभाज्य गुणनखंडों में, तीनों अभाज्य गुणनखंडों में 6 का अंतर है बस, और कुछ नहीं। आप इसको दूसरे तरीके से करके देखना, जो मैंने दूसरा तरीका समझाया ठीक है, उस तरीके से भी करके देखना, और आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमारा आ गया ठीक है। तो यहीं पर प्रश्न नंबर 6 समाप्त होता है ठीक है। हमने ये भी देख लिया कि इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, देखो तभी तो ये दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला है, क्योंकि इसमें देखो जल्दी से भाग नहीं हो रहा है और जो भी है ये सब अभाज्य संख्या है ठीक है। चलो बेटा ठीक है, चलो अगर ये वीडियो सही अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं तो बता ही रखा है कमेंट सेक्शन में, मुझे बता देना क्या परेशानी। चलो बेटा, ख्याल रखो।